तू? मेरा नाम डॉक्टर अनुप अबोटी है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। फूडा कैंसर हॉस्पिटल चाइना के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। वहाँ पे एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी से या एआई टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारे एडवांस स्टेज, एग्रेसिव स्टेज, अर्ली स्टेज सारे प्रकार के कैंसर के लिए एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और मैं उसमें एक्सपर्टीज रखता हूँ। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी खास विशेषताएं क्या है, किस तरह से वो कंफर्टेबल है? जो नई ट्रीटमेंट्स हैं अब कैंसर के लिए वो है क्रायोसर्जरी, ब्रैकीथेरेपी, नैनोनाइफ आईआरई, इंटरवेंशनल कीमो, इम्यूनोथेरेपी। ये नए टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं। तो इनमें स्पेशलिटी ये है कि जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती है या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है जहाँ पे पूरी तरीके से कैंसर बाहर नहीं निकल पाता है, उसमें ये रोबोटिक एप्लीकेशन के थ्रू टारगेटेड लोकलाइज्ड जगह पे ही हम सर्जरी कर सकते हैं बिना चीर फाड़ के। तो ये स्टिचलेस प्रोसीजर्स होती है जिसमें बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है, फास्ट रिकवरी होती है, पेशेंट के बॉडी में मिनिमम डैमेज होता है और पेशेंट अगले ही दिन चलना फिरना खाना पीना सब शुरू कर सकता है और इसके लॉन्ग रन में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब 2017-18 में भी जो पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं आज तक भी वो पेशेंट्स काफ़ी सारे अच्छे स्टेट में हैं, क्योर्ड स्टेट में हैं, कोई रिकरेंस नहीं है, कोई मेटास्टेसिस नहीं है, फैला नहीं है कैंसर, वापस आया नहीं है कैंसर। ये उसके बहुत बेनिफिट है। पूरे बॉडी में जो कीमोथेरेपी पहले कॉमनली दिया जाता है अब वो सारा का सारा पूरे बॉडी में कीमोथेरेपी देने की नीड नहीं होती कुछ केसेस में जहाँ पे हम लोग लोकलाइज्ड इंटरवेंशनल कीमो यूज कर सकते हैं। कैंसर का प्रेजेंट सिनेरियो ऑल ओवर इंडिया में, खास जी करके गुजरात में, जी किस तरह से पाया जाता है और क्या उसका मेडिकल रीजन हो सकता है? पूरे इंडिया में जो पिछले 2022 का सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली 14 लाख कैंसर केसेस नए डायग्नोस हुए हैं। 8 से 8.5 लाख लोगों की डेथ हुई है एक साल में और जो डायग्नोसिस हो रहे हैं वो अभी भी अर्ली स्टेज में नहीं है, स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही है। कैंसर में सबसे बड़ा की फैक्टर स्टेटिस्टिकली ये है अगर हम उसे जल्दी पकड़ पाए तो सारे ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरी हर चीज़ काम कर सकती है। डिफिकल्टी वहाँ आती है कि हम पेशेंट को अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं कर सकते और अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे, ज़्यादा सर्वाइवल रेट बढ़ेगा। प्रेजेंटली गुजरात में और बाकी आसपास के स्टेट्स में, इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर ही कॉमनली बढ़ चुका है। 10 साल पहले गुजरात में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, 10 साल पहले यहाँ पे ओरल कैंसर जो था, टंग कैंसर जो टोबैको से रिलेटेड है, स्मोकिंग कैंसर जो लंग कैंसर से रिलेटेड है, अब पिछले 3-4 साल में उसका इंसिडेंस कम हुआ है बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी पेट के कैंसर ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब लीवर कैंसर के केसेस काफ़ी आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर और गॉल ब्लैडर के केसेस काफ़ी राइज पे है। कैंसर ठीक हो सकता है, उसके हिसाब से आपको क्या मैसेज देना है लोगों को? कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर हम उसे सही समय पे पकड़ पाए तो। अर्ली स्टेज डायग्नोसिस अगर होगा, पेशेंट अगर फिजिकली स्टेबल होंगे और आप सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर सर्जन कोई ये कहता है कि सर्जरी से हम एक पर्टिकुलर कैंसर को ऑपरेट नहीं कर सकते, वो क्लिनिकली सही चीज़ है बट इसका ये मतलब नहीं कि उसके लिए कोई दूसरी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो कैंसर सर्जरी से ठीक नहीं हो सकता उसके लिए आप रोबोटिक सर्जरी को चूज़ कीजिए। जो पेशेंट कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है उसके लिए आप लोकलाइज्ड इंटरवेंशनल कीमो को यूज़ कीजिए। जो पेशेंट रेडियोथेरेपी नहीं करवा पा रहा है किसी कारण से या रेडिएशन के उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड है उस केस में आप लोकलाइज्ड ब्रैकीथेरेपी या कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट कीजिए। ऐसे में अब जो पिछले 5-10 साल पहले सिचुएशन थी उसमें सक्सेस रेट लाना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक एक सिनेरियो है जैसे हमें डर लगता है और हमें ऐसा लगता है कि जान का खतरा है बट अगर हम सही समय पे सही जगह पहुंचेंगे ट्रीटमेंट के लिए तो ये डर हट जाएगा।